आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर। ये वो इंसान है जो अपने सपने के लिए और अपने ड्रीम पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। ज्यादातर फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर का ड्रीम सिलिकॉन वैली में काम करना या वहां पर स्टार्टअप करने का होता है, और इनका सपना बिल्कुल अपोजिट है। इंडिया के विलेजेस को सिलिकॉन वैली बनाना है, अपनी खुद की इंजीनियर्स आर्मी बनानी है। वो दुनिया भर में पॉपुलर सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर है, वर्ल्ड के 59th रिचेस्ट इंडियन है 2.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ, और इनको इस 2021 में इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। इतने वेल्दी और इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी आज भी वो साइकिल से चलना पसंद करते हैं। वो ज्यादातर ट्रेवल अपने आसपास का साइकिल से करते हैं। इस शख्स ने दुनिया के सबसे पॉपुलर स्टार्टअप कल्चर वाली प्लेस सिलिकॉन वैली को छोड़कर तमिलनाडु के छोटे से गाँव तेनकाशी और आंध्र के गाँव रेनिगुना में अपना जोहो का ऑफिस एस्टेब्लिश किया, एंड जोहो की टीम इन्हीं गांव से ऑपरेट कर रही है। गांव के बच्चों को भी वो हेल्प कर रहे हैं सक्सेसफुल इंजीनियर बनाने में और उनको एजुकेट करने में अपने जोहो स्कूल की तरफ से। और भी बहुत कुछ खास बात है इस इंसान में, तो आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर श्रीधर वेम्बू की जर्नी, उनकी स्टोरी। ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको श्रीधर वेम्बू और उनकी कुछ अनहियर्ड स्टोरी के बारे में। श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु के थंजावीर डिस्ट्रिक्ट्स के छोटी सी फार्मर फैमिली में बॉर्न हुए थे। बाद में वो पढ़ाई के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी गए, फिर क्वालकॉम सैन डियागो कैलिफोर्निया में वो काम करने लगे थे, एंड लेटर वो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहने लगे थे। उनका एक सिंपल बट बोल्ड मिशन था टू टेक सिलिकॉन वैली टू द विलेज। वेम्बू ने अपने लेट 20s में एडवेंट नेट को 1996 में फाउंड किया था, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती थी। इन 2009 में इसका नेम रीनेम करके जोहो कॉर्पोरेशन कर दिया गया। टुडे जोहो क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इनके मोर देन 45 एप्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑनलाइन अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड अदर एक्टिविटीज में। इनका एक प्रोडक्ट है जोहो डेस्क, ये कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर है जो कि मथलरम प्राय ऑफिस में बना है, जो कि ये दिखाता है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए ओबन हब्स की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी डेवलप हो सकते हैं। वेम्बू तेनकासी से पहले सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में रहते थे। बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक अक्टूबर 2019 में वो स्मॉल टाउन में शिफ्ट हो गए थे। अब जहां कोविड-19 वर्ल्ड में वर्क फ्रॉम होम का मंत्र चल रहा है, वेम्बू इस टाइम में अपना मिशन वर्क फ्रॉम विलेज को प्रमोट करने में लगे हैं। वेम्बू का कहना है कि विलेजेस से सिटीज की तरफ माइग्रेशन एक अच्छा आइडिया नहीं है। उन्होंने काफी पहले ये डिसाइड कर लिया था कि वो स्मॉल विलेजेस में अपना ऑफिस सेटअप करेंगे एंड वहां से काम करेंगे, एकदम शांत नेचर, ना कोई ग्लैमरस, ना कोई चमक धमक, एकदम रियल। एंड अब देखो, जोहो के दो रूरल ऑफिस हैं, तमिलनाडु के तेनकासी और आंध्र के रेनिगुना में, जिसमें जोहो के 9300 एम्प्लॉयज में से 500 एम्प्लॉय इन विलेजेस से काम करते हैं। उनका प्लान है कि वो चाहते हैं जो उनके 8800 इंडियन बेस्ड एम्प्लॉय हैं, वो सारे एम्प्लॉय नॉन अर्बन यानी कि रूरल एरिया से काम करें। रूरल एरिया में काम करने के पीछे काफी सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक एम्प्लॉय विलेजेस में रहेंगे तो दिमाग में उनके काफी सारे आइडियाज आएंगे, दिमाग खुलेगा, एंड सेकेंड हाई अर्निंग लोगों के अंदर काफी अच्छी चीजें होती है, वो मेंटरिंग और कोच टाइप वाले बंदे होते हैं जिसकी नीड लोकल यूथ को है। सो इससे लोकल यूथ भी ग्रो होगी, एजुकेट होगी। वेम्बू बोलते हैं, मैं विलेजेस की लाइफ से काफी कनेक्ट फील करता हूँ, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारे नेबर के पास फरारी है और हमारे नेबर वहाँ वेकेशन पर जा रखे हैं। एक लाइफ में सिंप्लिसिटी फील होती है जब आप विलेजेस में रहते हैं। और वेम्बू वैसे भी लो कंजप्शन वाले इंसान है, जब भी कोई न्यू फोन लॉन्च होता है तो वो कभी भी फर्स्ट इन लाइन वाले बंदे नहीं होते, बल्कि वो कुछ सालों बाद जब वो सबके पास आ जाता है वो उस टाइम उस फोन को यूज करते हैं। श्रीधर वेम्बू आज भी डेली अपना आना जाना साइकिल से करते हैं एंड सिंपल धोती शर्ट में वो रहना पसंद करते हैं। श्रीधर ने जब अपनी कंपनी लॉन्च की थी तो एक चीज उनके दिमाग में काफी क्लियर थी कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, बट हम ऑलमोस्ट जीरो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो थी बट साथ में बहुत सारे चैलेंजेस
प्रॉब्लम, रिस्क था और जोहो ने एक एक करके उनको फेस भी किया। इस 25 साल पुराना जोहो कॉर्पोरेशन 2021 में यूनिकॉर्न बना और ये पहला सॉफ्टवेयर यूनिकॉर्न स्टार्टअप था इंडिया के अंदर। जोहो अब तक 6 राउंड की फंडिंग रेस कर चुका है जिसमें लेटेस्ट फंडिंग उनकी सितंबर 2021 में थी $350 मिलियन की। जोहो ज्यादा फंड रेज नहीं करता, वो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल स्टेज पे है। वैम्बो का शुरू से एक मिशन था कि वो इंजीनियर्स की आर्मी बिल्ड करे और उसके लिए 2004 में श्रीधर वैम्बो ने जोहो यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया जो अब जोहो स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस जोहो स्कूल में स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, उनकी एबिलिटीज और स्किल सेट को बिल्ड करते हैं, वो भी फ्री में, बिल्कुल भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि वो उल्टा 10,000 का स्टाइपेंड देते हैं थ्रू आउट द 2 ईयर कोर्स। उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसके पेट में आग है। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल मैटर करता है श्रीधर वैम्बो के लिए। जोहो स्कूल 6 स्टूडेंट्स एंड 2 प्रोफेसर से स्टार्ट हुआ था। आज जोहो स्कूल से मोर देन 800 ग्रेजुएट हो चुके हैं और ज्यादातर वो जोहो के अंदर एम्प्लॉय हैं। जोहो के 9300 एम्प्लॉय में से 875 तो जोहो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। लोग रूरल से ओपन एरिया मेट्रो सिटीज में शिफ्ट होते हैं क्योंकि वहाँ जॉब्स कंपनीज नहीं है एंड श्रीधर वैम्बो उसी माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे विलेजेस में ही अच्छी कंपनी स्टैब्लिश हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बने। वैम्बो के पास पैसा है, वो वेल्दी है, बट उनका कहना है कि आई एम अ कैपिटलिस्ट एंड आई डोंट केयर अबाउट नेटवर्क। वो यहाँ पर जापान का एग्जाम्पल देते हैं। जब आप जापान के रूरल एरिया में जाओगे आपको एक वेल्दी सोसाइटी दिखेगी, लाइक रोड्स अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, कोई भी बिना घर के नहीं है, कोई पॉवर्टी नहीं है, ट्रेन टाइम पर आ रही है, क्लीन एंड हाई स्पीड ट्रेन है। ये चीजें वेल्दी, क्लियरली जापान एक वेल्दी कंट्री है। तो कैपिटल एक ऐसी चीज है जो आपको मुश्किल सिचुएशन से बचाता है। वो अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए वो अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं, ना कि फाइनेंशियल नंबर। इंडिया को एक ऐसे ही थिंकिंग वाले और श्रीधर वैम्बो चाहिए अगर इस पूरी कंट्री को वेल्दी बनना है तो। अगर हमारी कंट्री में ऐसे 1,000-2,000 बंदे भी आ गए तो भारत के विलेजेस मेट्रो सिटी से ज्यादा पॉपुलर और रहने लायक बन जाएंगे। वैम्बो बिलीव करते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन होगा, लोग विलेजेस में ही एजुकेट होंगे और विलेजेस में ही काम करेंगे। वैम्बो ट्रेंड्स को काफी जल्दी कैच कर लेते हैं। जब कोविड पेंडेमिक आया तो लॉकडाउन के अनाउंस करने से 2 हफ्ते पहले ही वैम्बो ने अपने ऑफिस क्लोज कर दिए थे। वो चाहते थे कि सारे एम्प्लॉय घर पहुंच जाएं बिफोर की ट्रेन, बस, एयरपोर्ट्स पर क्राउड और पैनिक हो। Also, he is so smart and intelligent. Zoho अभी काफी अच्छा कर रहा है। Zoho का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका रेवेन्यू 4,274.7 करोड़ था जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 के मुकाबले 29% ज्यादा था, जिसमें उन्होंने 800.86 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया जो कि काफी अच्छे नंबर्स हैं एंड वो काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। So, मुझे जोहो में काफी पोटेंशियल दिखता है। जब वो 25 साल सर्वाइव कर गए तो फ्यूचर ब्राइट बना लिया है एंड आगे का भी फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। बाकी श्रीधर वैम्बो और क्या क्या एक्टिविटी करेंगे मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।